Hey guys, welcome to the Ashima Show. दोस्तों लॉकडाउन के चलते हम सबके घरों की एक लक्ष्मण रेखा है और मेरे घर की लक्ष्मण रेखा है ये, जिसे मैं आज पार कर रही हूँ और उसके पीछे एक रीजन है। एक्चुअली क्या है कि मेरे घर में आटा खत्म है और आटे को खत्म हुए अब ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है। मैंने काफ़ी बार वो इंडियन ग्रॉसरी स्टोर है जहाँ से हम आटा लेके आते हैं इंक्वायर किया है, बट हर बार आंसर मिलता है कि वो आउट ऑफ स्टॉक है। आई डोंट नो कि आटा अभी इंडिया से ही एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, या फिर जब अगर वो एक्सपोर्ट हो भी रहा है तो US में आके वो बड़ी सिटीज़ में ही ख़त्म हो रहा है, छोटी सिटीज़ तक वो नहीं पहुँच पा रहा है। आई डोंट नो रीज़न क्या है, बट आज मैं दोबारा उसको इंक्वायर करने जा रही हूँ इंडियन ग्रॉसरी स्टोर में। मुझे कुछ और सामान भी वहाँ से लेना है। तो दोस्तों मैं चाहती हूँ कि आज आप सब भी मेरे साथ इंडियन ग्रॉसरी स्टोर चलो, ताकि आप सब भी देख पाओ और मैं भी देख पाऊँ कि आज वहाँ पे कौन सी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, उनके प्राइसेस क्या क्या हैं और क्या क्या चीज़ें अभी इंडिया से US पहुँच पा रही हैं। तो चलो चलते हैं। फार्मेसी स्टोर में मास्क के बारे में पता करके कई बार आ चुकी हूँ। यहाँ पे दो फार्मेसीज हैं, CVS और वॉल्सग्रीन, जहाँ पे फेस मास्क मिलने की मुझे उम्मीद है, पर हर बार मुझे वहाँ पे यही आंसर मिलता है कि मास्क आउट ऑफ स्टॉक है। बट वो मेरे लिए अब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने अपना DIY फेस मास्क बना लिया है। जब तक मास्क मुझे नहीं मिलता आउट ऑफ स्टॉक है, मैं इससे अपना काम चला रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ईजी टू यूज़ एंड कम्फर्टेबल है। So, here it goes guys, my DIY face mask. तो गाइज पहले मैं जा रही हूँ वॉलमार्ट की फार्मेसी। यहाँ पे ड्राइव थ्रू है, तो वहाँ से जो भी चीज़ आपको चाहिए होती है वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और विंडो के थ्रू ही वो सामान दे देते हैं जो हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे मास्क और ग्लव्स का हमने इंक्वायर किया, तो अभी भी उनका आंसर सेम ही था कि वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो बिना मास्क और ग्लव लिए ही हमें वहाँ से जाना पड़ा। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ इंडियन ग्रॉसरी स्टोर, अब अंदर जाके देखती हूँ कि मुझे यहाँ पे आज आटा मिलता है कि नहीं। तो चलो चलते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है US में, तो ग्रॉसरी स्टोर में बिल्कुल भी रश नहीं था। और मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि मैं वीकडेज में ही शॉपिंग करूँ जो भी मुझे लेना है, और दोपहर के टाइम करूँ जिसमें चांसेस होते हैं कि और भी कम रश हो। तो अब जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे हर तरीके का राइस है, इडली राइस है, बासमती राइस है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो मुझे चाहिए आटा नहीं है। तो गाइज यहाँ पे आटा अभी भी आउट ऑफ स्टॉक है, आटा अभी तक नहीं आया, पर मैंने वहाँ पे इंक्वायर किया तो उन्होंने बताया कि आटा मंडे को आएगा, और उन्होंने बताया कि मंडे को सिर्फ 40 बैग्स आएंगे आटे के। तो मैंने उनको अपना नंबर लिखवा दिया है कि जब भी वो आए तो हमें एक बार टेक्स्ट कर दे तो हम आके ले जाएं। और तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग अभी लाइन में हैं, तो लेट्स सी मंडे को भी हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। इन द मीनवाइल बाकी शॉपिंग कर लेते हैं। अभी मैं ढूंढ रही हूँ पनीर, और हाँ मुझे मिल गया है पनीर, पर पनीर मुझे मिला है दो कंपनी का। यहाँ पे है गोपी का पनीर और वेरका का पनीर। आई थिंक आई विल गो विद वेरका। और पनीर लेने के बाद मुझे चाहिए अब कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी मुझे लकीली यहाँ पे मिल गया है दो, वो बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं था बट काम चल जाएगा। जो ये वाली आइल है यहाँ पे है सारी इंडियन स्नैक्स, भुजिया, चिप्स, जिसको देखते ही मुँह में पानी ज़रूर आता है। Actually, we were looking for atta from last 3 or 4 weeks. Yes, they are not available. So how many people have inquired you approx? Maybe 40-50. Okay. Yeah, every day, like a lot of people they call. I check everybody's number, make sure they can तो गाइज आज की तो मेरी शॉपिंग हो गई, पर मुझे कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी चाहिए थी जैसे कि आटा, या फिर मुझे गार्लिक नान भी यहाँ से लेने थे, पुदीना लेना था, वो तो मुझे नहीं मिला। बट कोई बात नहीं, अगली बार मुझे शायद नेक्स्ट वीक तक वो सामान आ जाए। पर मैं चाहती हूँ कि आपको दिखाना कि यहाँ पे जो मैंने सामान खरीदा है वो कितने का है और क्या प्राइस उसका इंडिया में होगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पनीर जो मेरे को मिला है वो मिला है $7 का। तो $7 को अगर आप मोटा मोटा
भी रुपीस में कन्वर्ट करें, एफएक्स रेट अभी 75 चल रहा है, तो ये पनीर पड़ा है मुझे 550 रुपए का, और ये पनीर है 400 ग्राम। आई डोंट नो इंडिया में कितने का मिलता है, आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइज, अगली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है ये 20 रुपए के कुरकुरे। ये यहाँ पे कितने के मिलते हैं, ये यहाँ पे है $1.50 के, जो कि हो गया मोटा मोटा 100 रुपये। तो यहाँ पे कुरकुरे मिलते हैं 100 रुपये के। तो ये हो गई मेरी आज की शॉपिंग। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। और एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और भी वीडियोस बनाऊं यूएस के कल्चर को लेकर, यहाँ पे शॉपिंग कैसी है, लोग कैसे हैं, बाकी सब चीज़ें, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई स्पेसिफिक चीज़ आप चाहते हो मैं उसको शूट करूँ, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ढेर सारा प्यार देना। चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।